even as the BJP announced its second list, the Delhi people, even when it comes to the six of the seven sitting MPs of the Lok Sabha that have been dropped. Sirf ek naam retain kara gaya, wo hai Manoj Tiwari ka, North East Delhi se unhe chunav mila hai, wahin par ticket unhe mili, aur second list mein agar naam di jaye, to Harsh Malhotra ka naam samne aaya East Delhi se. Previously, wo Gautam Gambhir represent karte the, unhone ye faisla liya hai ki wo politics mein ab continue nahi karenge. Yogendra Chandolia for North West Delhi, unko seat mili hai, pehle ye Hansraj Hans represent karte the, aur pehli list jo announce kari gayi thi 3 March ko, party has dropped 4 seats. MPs, यानी कि हर्षवर्धन फ्रॉम चांदनी चौक, मीनाक्षी लेखी फ्रॉम न्यू दिल्ली, रमेश भिदूरी फ्रॉम साउथ दिल्ली एंड परवेश वर्मा फ्रॉम वेस्ट दिल्ली. But the opposition India Alliance has already announced that the Aam Aadmi Party will be contesting from 4 seats in the national capital, New Delhi, West Delhi, South Delhi and East Delhi. Meanwhile, the Congress will be contesting on the remaining 3 seats of Chandni Chowk, North East Delhi and North West Delhi. Aam Aadmi Party ke taraf se Somnath Bharti ka naam diya gaya hai for New Delhi, Sai Ram ka naam diya gaya hai from South Delhi, Mahabat Mishra ka naam diya gaya hai from West Delhi aur Kuldeep Kumar ka naam diya hai from the East Delhi seat. Congress Party ke taraf se halaki abhi baki ke जो 3 जो सीटें हैं दिल्ली की उनकी तरफ से कैंडिडेट्स अनाउंस करना अभी बाकी है. ईशा हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं. ईशा, गुड मॉर्निंग टू यू. हमने देखा है कि बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट सामने आई है उसमें कई ऐसे नए प्रत्याशी, कई ऐसे नए नाम हैं जिन्हें अभी फिलहाल टिकट दी गई है चुनाव लड़ने के लिए. जी हाँ अमिता, बहुत से नए प्रत्याशी हैं, लेकिन बहुत से पुराने दिग्गज भी हैं जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है. उनका अगर हम नाम देखें तो उसमें नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने हरियाणा की सरकार में जो टूट होने के बाद भी उनको टिकट दी गई है, वो चुनाव लड़ेंगे. तो बीजेपी में एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन, एक मैसेज दिया गया है कि बीजेपी अपने किसी भी पुराने साथी को पीछे नहीं छोड़ती. और ये बसवराज बोम्मई को टिकट दे के भी उन्होंने साबित कर दिया है. 72 कैंडिडेट्स की उन्होंने लिस्ट अनाउंस की है. 10 स्टेटों के लिए ये अनाउंस की गई है. कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र के भी सीट्स इसमें लिखे गए हैं. 20 सीटें अनाउंस की गई है कर्नाटका के लिए और महाराष्ट्र के लिए, 7 गुजरात के लिए और 6 हरियाणा और तेलंगाना के लिए, 5 मध्य प्रदेश के लिए और 2 दिल्ली के लिए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 1-1 है और त्रिपुरा और दादरा नागर हवेली के लिए भी सिर्फ 1 सीट है. लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने 7 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं. बहुत ही नए चेहरे हैं, बासी सिराज, रामवीर भिदूरी, ये सब इन लोगों की, इनकी छवि अच्छी बताई जा रही है. जी, लेकिन फिलहाल हम दिल्ली की अगर बात करते हुए नजर आए, पिछले चुनावों में 2019 के 7 की 7 सीटें जो थी वो बीजेपी ने जीती थी. वहीं पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारते हुए अब 7 सीटों के लिए सामने नाम उनके आ चुके हैं, जिसमें एक नाम ही है जिसे दोहराया गया है, जिसे रिपीट किया गया, वो नाम है मनोज तिवारी का. 4 सीटें विपक्षी दल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से लड़ी जाएगी, बाकी 3 सीटें कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ी जाएगी.